संसार जदि तैयारी नारी मानंक पई संसार जदि तिष्टि रही नारी मानंक पई संसार जदि ध्वंस हबो ए नारी आखिर लुह पई बुझु नहंती ए माने झियोर बाप माने काई के एते कष्ट पाउचंती झियोटिया जन्म हेले ना एइति पई कष्ट पाउचंती कोन पई जौतुक व्याधि थारु व्याधि नाही आउ सामाजिक जीवने जले हाउ हाउ जौतुक नेबा देबा बड़ अपराध हो बड़ अपराध नेबा नाही जौतुक कर हो शपथ बधु धन पाई हो बधु धन पाई आनंद रे परिवार हसु भाई बधु धन पाई बहु रूपक धन टी घर को आसु आउ कौनसी धन आवश्यकता नहीं आज्ञा सत्य किंतु झीर बापमा वास्तव में खुशी हवा दरकार एणिकी सत कथा यहाँ किंतु जोबले जार आम झीटे ना आम सब मुह को टे सुक दौन मु देखीजे आज्ञा बापमा मैंने जदि गर्भवती स्त्री टी कष्ट कष्ट भगवान को मन मन डाकु थो ठाकुर मोर पुओटी हो निश्चय निश्चय आज झीटी हो गला ना से माँ टी आगे मुह सुकब झीटी है अरे हे केते जन्म तपस्या कले बाप माँ प्रथम संतान कन्या मन रखे आज्ञा जो बाप माँ प्रथम संतान टा झीए ना से बाप माँ बहुत सुखी बाप माँ हाँ आई बाप माँ सुखर दिन बढ़ी बढ़ी जाए थाए सत कथा आज्ञा गो कन्या भूमिपरा भाग्य प्राप्ति सत कथा मानवा दरकार कहीं एक कहली श्लोकटी आरंभ है पुत्री जाता महतीब चिंता कस्मै प्रदेयित इतिमे वितर्क किंतु बापा मने आमे तर्क करिवानी जुक्ति करिवानी लोक मैंने किसी लोक कहे हाँ झीटे हेले मन बुझेवा कथा नाई पुओटे हेले पछे मन बुझातु झीटे हेले ठीक से लालन पालन करूँ देखु शहेटा पुअर कान काटिदब झीओ निश्चित निश्चित आज्ञा ए गोटे गाँव रे जने व्यवसायी था गोविंद नाटी जमती गुण भी सेमती किंतु तांकर गोटे सुंदरी झीटे थाए अति सुंदरी चमत्कार झीटे थाए गुण जमी रूप सेमती किंतु गोविंद मन मन चिंता करू था मोर तो आउ पुओ ना कि कई नहांती ना तेणुक मो झीटी को मुझे जा सहित बाहर करी से सेमतिया पाटे होता दरकार ना मो झील जदि दुख पाइला ना मुझे था कि दुखी हेबी एमती गोविंद चिंता करी करी बसी एतिकी बेले जड़े साधु महात्मा आसिकी तांको घरे पहुँचिले गोविंद अनैले साधु महात्मा आद धोईदे आसन पकईदे बसईदे झीव को डाकिले मारे साधु आसी आ मुंडिया मारू माँ झीटी आसिकी साधु को मुंडिया मारा साधु कल्याण कले ये गोविंद बाबू कहले आज्ञा मो झीर कपाल हाथ टिके देखिले आज्ञा ता बाहर टी भलरे भलरे हेजीव तो देखिले टिके आज्ञा साधु अनैले कह हाँ बाहर भलरे हेजीव सब ठीक हे तो झीर स्वामी सुख भल सब ठीक अच्छी शाशुघर सब हम ठीक किंतु गोविंद गोविंद कह आज्ञा कहला जदि मो कथ मानव गोटे कथा कहना कौन आज्ञा दीटा जिनस कह मन रखि था दीटा जिनस देखिकी झीर बाघर कर कौन 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 आज्ञा कहना दीटा जिनस कौन कहला शुण तुम्हें गोविंद कौन करुच कहला मु आज्ञा तो बजार में मीठा दोकान टे चलुची से मीठा दोकान रु आ मोरते गोटे बोली झील मोर आगु कहीं ना पछु कहीं ना कहे ठीक अच्छे तुम दीटा जिनस मन रखिबो ना कौन प्रथम जिनस जो पुआ घरे कुकुर बिले नठिक झील दबन एमती कानेला गोविंद कहला कौन कुकुर बिले नी झील देवी ना ना
जहाँ घरे कुकुर बिलई नथव तांघरे झियो दबनी कला आज्ञा द्वितीय कथाटी कौन ना द्वितीय कथाटी हला जिए तुमर झियोर पाणी ग्रहण करिवो बा ता बर झियो हबो ताकू घर को डाकिवो खाइबाकू दबो ता खाइबारु लक्ष्य करिवो पिलार चरित्र केमिति प्रकृति केमिति एवं ताकू दसटा दोष मो झियोर सहिबो ना सहिबोनी पचारिवो हला एतिकि करिसार जोठी मन मानिवो सेइटि बाघर करिवो जा साधु कहिले उठिले चलिले ज्ञानी भक्तवृंद माने आपण माने झीर बापा हेबे ये साधु कथा टी कान रखी था मन रखि था साधु कही जा घरे कुकुर बिलई नथव झी दबनी एवं झीव को जहा सहित बाघर कर बाघर पूर्व डाक घरे खाइबा को दबो सी खाइब ता खाइबारु अनुमान करिब ये केते दूर ठीक पिला आउ दसटा दोष कथा ताकु खाई सारला परे पचारिबो हैला गोविंदर मुंड घुरेला कहला जा होना कहीं कि साधु मते गोटे भल बाट बतई देकी गले हैं मो झियो पाई कहीं ना साधु को कथा तो केबे भूल हबनी ना मो झियोर एणी कि बर खोजिबारे किछि असुविधा हबनी किछि असुविधा हबनी बर खोजा बेलू मु आग देखीदेवि ना एक नंबर कथा साधु द्वितीय कथा तो बर को डाक घर को आँ य तो कथा कि आज्ञा सत कथा कौन जानते आपण मैंने लक्ष्य देखु जी जुआड़े जो जाकि देखु आज्ञा कथार कहती आज्ञा जहा हाँ जी चाउल पकई थब सी से हिं जीव आड़े जीवन जहाँपाई जहाँ को गढ़ाई थब जहाँपाय जीए तायरी हो सी तारी द्वारा ही हाथ गंठी पड़ब जीवे कड़े आज्ञा हे मोर ज्ञानी मंडली देख मन रहा एक कथा साधु कहीकि जाती देखिले बाघर करू ना बहर करूनि बाबा माने प्रत्येक पुआ प्रत्येक झियो सबु पुरुष स्त्री जीवन रे बिवाह भली आनंदर बंधन टीए जीवन रे थरे आसे हैं देखिबा साधु तो कहीकि जाइचंती ये कौन करुची देखिबा केमितिया जोई डाकिके आणुची केमितिया जोई संगरे ता झियोर बाघर होउची देखिबा केमिति कौन होउची प्रिय भक्त बंधु माने सुंदरी ए झियोर सुंदरी पणरे मुग्ध होई ता गुणरे मुग्ध होई अनेक पिला माने प्रस्ताव देले विवाह करिवा पई बाप जाए समस्त घर को जाई देखे कुकुर बिलई अच्छी ना नहीं आगे देखे कौन पाए साधु कही मु एक कहीपरिनी किंतु कुकुर बिलई अच्छी ना नहीं देखे जहा घरे कुकुर बिलई नथब हेटु चुप कि फेरिकी पलि आस घर कुकुर बिलई थब ताकू डाक जीव मो घर खाइबा सी जोई जी हम खाइबा जीव सी जो खाइबा बसे मैंने बाड़ी की दिखती जोई की जमी दिखती सेमती चर्चा करती एमने सब खाती पिंती खाई सारा बेलू पचारे मो झीर दसटा दोष तुम्हें क्षमा कर तो समस्ते कहती हाँ आम क्षमा करदेबु एमती कहती कितु मन माने नी बापर समस्ते फेरिले समस्ते फेरवा पर झीता बापर गोटे पिलादिन सांग ताना हूँ राधाकृष्ण ये पचारा दिने कहला भाई अरे झीटी तोर एड़ बड़ है बाघर सागर कलुनि ना करूनु ना भाई मत तो साधु गोटे भल कथा कहीदे जा तो खोजुच मुपर्त पाइली झी बागर करी कह अरे कौन खोजुचु ना साधु मत कही जा घर कुकुर बिलई नथब से झील दबुनि कहला कहीं कुकुर बिलई सागर झीर कौन संपर्क बा झीर बाप कौच कह मुमी जानवी कौन संपर्क साधु कहीं से कथा सीए जानती कहला हाँ तापर जदि कुकुर बिलई थे घर को डाकबू खाइबा को सी जुआई जी हम सी आसी घरे खाइब खाई बसला बेले खाइबारु अनुमान करू से पिलार चरित्र केमी अरे अच्छा कथा केत गले राधाकृष्ण सांग पचारा झीर बाप कौच कहीं कौचु सांग शहे दुईश भाया बर बर सब गले पसंद होना कौन कौचु राधाकृष्ण कहले कहले शुण सांग तुम तो मो बंधु हम ना मुझे मिछ कह मोर दूर संपर्क भणजाटीए अच्छी आ बहुत पाठ पढ़ी
बहुत ज्ञानी बहुत बुद्धिमान जदि कह मुझे डकेबी ता ना रमेश जदि कह मुझे डकेबी आ मु कहीं आशा करूँ तुम्हें जो परीक्षा दब से परीक्षा सी पास कर झीर बाप कहला सेमती कमी हे मुझे आग जा घर देखिकी आसे कह हाँ तुम्हें जाओ तक घर जा बुलिक आस देखिक आस तापर जदि कह रमेश को तुम घर को पठेबी जा झीर बाप आगे गला जा पहुँचला चारिड़ को अनला देखला कुकुर टीए बंधाई दीटा बिले घर भितर बाहरी आईले अनदेला कुकुर बिले अच्छा कहला ना ठीक अच्छे ठीक अच्छे फेरिकी आसला जो फेरिकी आसला घरे कहीदे आईला आसंता का रमेश बाबू को कह आम घर को खाइबा जी के पा आस खाई जाऊँ ये भी सेमती आसब रोषेवास सब हो ज्वाई चर्चा जमी करमती रोषेवास हो ये रमेश बाबू जी सी आसी पहुँचीगले हाँ ससन माने नहीं आसन बसईदे आसन बसवापर झीर बाप कहले आण खाद्य पदार्थ आण जो खाद्य पदार्थ मान ज्वाई चर्चा मान गुड़ाए रकम तरकारी पत्र सब हो आते थोदे ये रमेश आसुनि आसन ठिया ये खाद्य पदार्थ बाढ़ सारापर रमेश कहला आज्ञा मत क्षमा करतु ना कौन ना मुझे जिनस खाईपर आरे खाई दियो तुम्हें पिला लोक एवं खाइबन कौन बुढ़ा हेल्ले खाइब खाई दि ना आज्ञा खाद्य को नष्ट उचित नुह खाद्य हूँ स्वयं भगवान माँ लक्ष्मी हूँ खाद्य मुझे जी खाइबी से धरुची बाकी तक काढ़ी नहीं जाओ फेरेदे ये अन थाए खाई बसिले खाई बसला बेले हाथ में पानी टिके धरिकी रमेश एमती चलू कला झीर बाप अन थाए एमती हूँ मारू थाए मन मन चलू कला चलू कर सारे खाद्य खाइबा आरंभ है दी थर खाई सारापर कहले आज्ञा कि भावे ना कौन ना यही तरकारीटा स्वाद होई तरकारीटा भल लगुनि आउ ए तरकारीटा भी भल लगुनि आउ चारिटा तरकारी भल लगुच ए जो तीन टा तरकारी भल लगुना कहीं लगुना जानते करा भल लगी था आरकारीटा या करते सी आहरी भल लगी था बुझेदे खाई सारे कहला बाबू बस बसिले बसला झीर बाप पचारा कहला मो झी को धरतु मु तुमको देली तुम मो झी को बाहल किंतु मो झीर दसटा दोष तुम्हें धरवन रमेश कहले कौ कौ दोष झीर बाप कहले कौन आ गए श्लोक कह जा चौर वृतिचारिणी मुखरा हिंसिका दृष्टा मिथ्यावादी न तोषिनी पलायन परभी ओ दस दोष इति स्मृता कौन कहले शुण मो झी जदि मुखरा हला किछु कहिबोन मो झी जदि दुष्ट हला किछु कहिबोन मो झी जदि लाज सरम न रखिला नीलजी हेगला किछु कहिबोन मो झी जदि तुम घर चोरी कला किछु कहिबोन मो झी जदि डाहाणी बुद्धि कला मान रोसे करथव रोसे कर भजाटे बस दी खंड पटी पकई दौ पुणी रोसे करथव हाँ तो कुछ कहबन मो झी जदि तुम घरे व्यभिचारिणी है कि कहबन जदि का सहित कड़े चलीगला कि कहबन ये सब कही सारापर रमेश पचारा कहला जदि एति गुण आपण झी दिहर अच्छी जो दसटा गुण जो कहले जदि कर मान जदि आपण झी देहरे दसटा गुण अच्छी आपको बाहर दवा उचित नुह सी बह उचित नुह आज्ञा आप मारिद उचित से कहीं बाहब झीर बाप अनैले कह हाँ कहले ना ना ये दसटा गुण भितर जो गोटे दीटा गुण थाए कह ना कहीं रोब गोटे दीटा गुण कह ना लोकंर चरित्र प्रकृति ये रमेश कहले कहला आज्ञा शुणु गोटे स्वामी जदि ता स्त्री को बदल न पार छुआ मान को सी मनीष करम
हाँ सत कथा अरे मझी खुंटा जदि ठीक थी आपण जमीती ओलिया गाई नहीं कि खुंटे बांधु ना सी जीव कड़े हाँ मुरा ठीक अच्छी आपड़ से दसटा दोस पाखे आसब कड़ से मो पाक आसला दसटा दुर्गुण दसटा सुगुण में परिवर्तन करदेवी जदि स्वामीटा स्त्री को बुझे न पार्ला आोट छुआ बुझे मनीष करमी बाप कहले ठीक अच्छे बढ़िया सुंदर कथा अच्छा ठीक अच्छे तुम सहित मो झर बाघर मु पक्का करदेली है राधाकृष्ण जो सांगर ये कड़े पदारे चली आईली कह हाँ है पक्का तो होगा मो भणजा सहित तुम झीवर बाघर हम होगा ठीक कि गोटे कथा बुझीपी ना कौन तमें कुकुर बिलई तक घरे कहीं देख जा घर कुकुर बिलई ना घर झी देवी आ मान कौन ये झीवर बापा कहले कह साधु मत अर्थ भी कही कौन जा घरे कुकुर बिलई नथब से घरे झी दबनी कारण शुण जो लोकर जमी बाड़ी थब चाषवास कर धान चाउल घरे थब ता घरे अलब तो मूषा थी हाँ आ मूषा को मार्वापी से निश्चय बिलई रखब हाँ घरे धान चाउल नथब ता घर तो मूषा नथबे मूषा मारे बिलई कौट आसब जहाँ घरे बिलई नथब जानव तार जमी बाड़ी ना अरे हे कला पचार कंदा किए मीछ कह सत कह जार जमी बाड़ी थब मान घरे बिलई देवे कहला अच्छा कुकुर कहला बुझीपाली जदि लोकटीर धन सम्पत्ति थब चोर पशे बोली सी कुकुर जगेथब जदि धन सम्पत्ति नथब आ तार तो चोर तो कहीं पशे ना सी कहीं कुकुर जगेब मान बुझी नब कुकुर बिलई नथिले आर जमी बाड़ी ना कि धन सम्पत्ति भी ना कुकुर बिलई रू बुझ कहला अरे हे आ खाइबा को कहला शुण जिते पा आसती खाइबा को समस्ते बसीगले आम बाड़ी देलु सुस्वादु जिनसि समस्ते पेटे पेटे खाई दिखती किंतु आम देख लु ये प्रथम पिला जी कि कहले मुते खाइबी काढ़ी नहीं जाओ मु नष्ट करी गला ये प्रथम कथा द्वितीय कथा ये चलू करी खाइले माने ठाकुर विश्वास अच्छी ये धर्म विश्वासी लोक ये के अधर्म करे तापरे सबू खाई सारे ये सब बाछिले यही तरकारीटा एमती तरकारीटा एमती भल होता खराब होती पिला समस्त कही आज्ञा बढ़िया आइटम बढ़िया रोसे आपंट समस्ते कही कहीं बाछ ने ये बाछिले मैने ये स्पष्टवादी ये सब सत्य कथा ही था ये गोटे गुण अच्छा तापर कहले यही तरकारीटा एमती कले हम यही तरकारीटा एमती कले हम तार माने रोसे बाबदे भल ज्ञान अच्छी रोसेवास केमती करने को हुए ताद्वारा मुझे मीठा दोकानी देनी मो अंत से मीठा दोकाना किए चल कि मो जो ही चलना तेणुक सबुआड़ू भाभी चिंतिक मुझे पिला को ठीक कली राधाकृष्ण कहले के बुद्धि तुमर गोटे झील बाहर कर गोटे पुराण कर सारा शेष रेलाना हाँ आज्ञा झीटटे बाघर करे करतु किंतु भाभी चिंतिक कारण गोरु गाई बा कंसा बासन नुहे आप बदल देवे आउ थे कौन निष्पत्ति नहीं जी ना जो कमटा करेंगे भाभी चिंती करतु सारा जीवन पर पुओ झी दुईज जीवन बीतना एकाठी तेणु ठीक भाव तर्जमा कर बुझी विचारी झी बाघर कि पुओ बाघर बुझी विचारिकी करूँ जमी पचर पस्त न पड़े।